एक छोटा सा गांव था जहां एक पुरानी हवेली में एक भूत रहता था। भूत का नाम था आकाश। आकाश एक समय यात्रा करने वाला भूत था। एक दिन गांव के एक बच्चे ने हवेली में गलती से प्रवेश किया। वहां उसे आकाश मिला जो उनके साथ दोस्ती करने का सोच रहा था। आकाश ने बच्चे को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि वो समय में यात्रा करने वाला भूत है। बच्चे ने आकाश से पूछा, हम भी समय में यात्रा करना चाहते हैं। आकाश ने बताया कि समय यात्रा करना मुश्किल है, लेकिन एक जादुई दर्पण की मदद से वो ऐसा कर सकता है। वो दर्पण उन बच्चे को दिखाता है और वहाँ उसे एक पुरानी स्कूल की तस्वीर दिखती है। बच्चे ने फैसला किया कि वो समय में जाके देखेगा और फिर जादुई दर्पण उन्हें वहाँ ले गया। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि वो भूत को स्कूल के बच्चों को डराने में मजा आता था। बच्चे ने फैसला किया कि वो भूत को जो बच्चों को डर रहा था, मैं उसे वापस एक अच्छा भूत बना दूंगा। बच्चे ने एक प्लान बनाया और वो भूत को दोस्त बनाने का प्रयास करने लगा। भूत शुरुआत में थोड़ा डर गया, लेकिन बच्चे की दोस्ती और उनके दिल से आए शब्द ने उसे बना लिया। फिर भूत ने बच्चों की मदद की और साथ में वो मैजिक दर्पण का इस्तेमाल करके वापस अपने समय में आ गए। आकाश और वो बच्चा समय यात्रा करके अपनी हवेली में वापस आता है। फिर वो एक भूतनी से मिलती है जिसका नाम मीरा है। मीरा भी समय में फंसी हुई है और उसका दिल भयानक अंधेरे से भरा हुआ है। आकाश मीरा के दर्द को देखते हुए फैसला करता है कि वो मीरा को भी अपने समय में वापस ले आएगा। बच्चों और भूतों की मदद से वो एक और मिशन तय करता है। इस कहानी का पार्ट 2 जल्द आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी कहानी को। तब तक के लिए अलविदा।